उधर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन की किताब की रोनमाई तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला की तकरीब के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर सोते रहे। ये मनासिब भी आप देख सकते हैं तकरीब थी जिसके दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद जो हैं वो ख्वाबे खरगोश में जो है वो मज़े लेते रहे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ जहाँ तकरीर कर रहे थे वहीं पर चीफ सेक्रेटरी जो थे वो सोते रहे और स्टेज पर बैठे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद लेकिन सो रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से आपको बता रहे हैं जहां पर दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब तकरीब में खिताब कर रहे थे वहीं पर चीफ सेक्रेटरी को सोता हुआ देखा गया। उमर असलम से मज़ीद जानेंगे। उमर असलम बताएगा जहां एक तकरीब जारी थी वज़ीर आला पंजाब खिताब कर रहे थे वहीं पर अफसरान सो रहे थे। जी बिल्कुल अरमान वजीर आला ने आज सबक गवर्नर स्टेट बैंक का डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब की तकरीर रुनमाई की जिसमें वजीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी थे। चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद तकरीब के दौरान अपनी नींद पूरी करते रहे। यहाँ पर ये भी वाजह करते चले कि वजीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी तकरीर कर रहे थे जिसके दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद उनकी तकरीर सुनने की बजाय अपनी नींद पूरी करते रहे। और ये मनाजर भी आप देख सकते हो ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद बल्कि तकरीर के दीगर सुरका भी वजीर आला पंजाब ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो है वो अपनी नींद पूरी करते रहे। काम की थकावट थी या नींद ना पूरी हो सकी ये तो वजह वो चीफ सेक्रेटरी साहब भी बेहतर जानते हैं लेकिन तकरीर के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपनी नींद पूरी करते रहे। और बहुत शुक्रिया उमर असलम आप हमें आगाह कर रहे थे।